अल्लाह वाफा मित्रों, मेरा नाम शहजाद आलम। 27 नवंबर 2021 के दिन अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। विश्व न्याय मंदिर ने अपने संदेश में हमें याद दिलाया है कि हम इस वर्ष अब्दुल बहा के जीवन और संविदा की शक्ति पर गहन रूप से चिंतन करें। पिछले कुछ महीनों से हम सभी लोग अब्दुल बहा की कहानियों को पढ़ रहे हैं और दूसरों से सुन रहे हैं। हम उनके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनके लेखों को पढ़ रहे हैं और दूसरों के साथ मिलकर उन पर चिंतन कर रहे हैं। मैं खुद भी अब्दुल बहा के अधिक निकट होने का प्रयास कर रहा हूं, उनके कहानियों के माध्यम से, उनके लेखों के माध्यम से, बहाउल्लाह और शोगी अफेंदी के शब्दों के माध्यम से, उन लोगों के विवरणों के माध्यम से जिन्हें उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। आने वाले कुछ महीनों में मैं आप लोगों के साथ अब्दुल बहा के बारे में जो कुछ भी सीख रहा हूं और चिंतन कर रहा हूं, उनमें से कुछ रत्नों को साझा करने का प्रयास करूंगा। तो आइए यह सफर प्रारंभ करते हैं। हमें पता है कि अब्दुल बहा का वास्तविक नाम अब्बास अफेंदी था। क्या आपको पता है उनका नाम अब्बास कैसे पड़ा? उनके दादाजी का नाम मिर्जा अब्बास नूरी था, जिन्हें आप शायद मिर्जा बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं। उस समय ईरान में रिवाज था कि सबसे बड़े बेटे को दादा का नाम दिया जाता था और इसलिए उनका नाम अब्बास अफेंदी रखा गया। अब्दुल बहा को हम मास्टर के नाम से भी संबोधित करते हैं। बहाउल्लाह ने अब्दुल बहा को और भी कई नाम और उपाधियां दिए हैं। आज क्यों ना हम उन नामों और उपाधियों को जाने और आने वाले दिनों में हम उनमें से प्रत्येक के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। चाहे किताबे अकदस में हो या किताबे अहद में या सूरह घुस्न में, बहाउल्लाह की कलम अब्दुल बहा को एक ऐसी शक्ति प्रदान करती है जिसकी वर्तमान पीढ़ी कभी भी पर्याप्त रूप से सराहना नहीं कर सकती। धर्म संरक्षक हमें बताते हैं कि अब्दुल बहा को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से बहाउल्लाह की अद्वितीय और सर्वव्यापी संविदा के केंद्र और धुरी के रूप में माना जाना चाहिए। वे बहाउल्लाह के सबसे उत्कृष्ट कृति हैं। उनके प्रकाश का बेदाग दर्पण है, उनकी शिक्षाओं का आदर्श उदाहरण है, उनके शब्दों का अचूक व्याख्याकार है, हर बहाई आदर्श का मूर्त रूप है, हर बहाई सद्गुण का अवतरण है, प्राचीन जड़ से निकली सर्व महान शाखा है अब्दुल बहा, ईश्वर के नियमों की टहनी है। वे वह व्यक्तित्व है जिसके चारों ओर सभी नाम परिक्रमा करते हैं। मानव जाति की एकता के मुख्य प्रेरक हैं अब्दुल बहा। सर्व महान शांति के प्रतीक हैं। इस सबसे पवित्र धर्म युग के केंद्रीय खगोलीय पिंड के चंद्रमा हैं अब्दुल बहा। इन उपाधियों से भी परे वे ईश्वर के रहस्य हैं। एक ऐसी उपाधि जो स्वयं बहाउल्लाह ने उन्हें देने के लिए चुना था और जो हालांकि किसी भी तरह से हमें उन्हें अवतार का स्थान देना उचित नहीं ठहराता, यह इंगित करता है कि कैसे अब्दुल बहा के व्यक्तित्व में मानवीय प्रकृति और अलौकिक ज्ञान एवं पूर्णता की परस्पर विरोधी विशेषताओं को मिश्रित और पूरी तरह से सुसंगित बनाया गया है। बहाउल्लाह अब्दुल बहा के बारे में कहते हैं, मैंने तुम्हें संपूर्ण मानव जाति के लिए एक आश्रय बनाया है। जो भी स्वर्ग में और पृथ्वी पर है उन सभी लोगों के लिए एक कवच बनाया है। जो कोई भी अतुलनीय सर्वज्ञ ईश्वर में विश्वास करता है उनके लिए एक दुर्ग बनाया है। अब्दुल बहा के लिए बहाउल्लाह की यह प्रार्थना है कि वह तुम्हें उससे प्रेरित करे जो सारी सृष्टि के लिए संपदा का स्रोत हो, सभी लोगों के लिए वदान्यता का महासागर हो और सभी जनों के लिए दया का अरुणोदय हो। बहाउल्लाह ने अब्दुल बहा के बारे में यह भी कहा था कि वे वह हैं जिसकी जिह्वा से ईश्वर अपनी शक्ति के चिन्हों को प्रवाहित करेगा और जिसे परमेश्वर ने अपने धर्म के लिए विशेष रूप से चुना है। लेकिन यह सभी पदवी और उपाधियां अपनी सबसे सच्ची, अपनी सर्वोच्च और निष्पक्ष अभिव्यक्ति उस मनोहर नाम में पाता है जो है अब्दुल बहा। अब्दुल बहा
बाहुल्ला के शब्दों की व्याख्या करता है और वे अपने नाम और उपाधियों की यह व्याख्या करते हैं। मेरा स्थान दास्ता का स्थान है, ऐसी दास्ता जो पूर्ण शुद्ध और वास्तविक दृढ़ता से स्थापित चीर स्थायी स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से प्रकट है, आशीर्वादित सौंदर्य प्रभुता के सिंहासन पर स्थापित है और हम सभी दास्ता की श्रेणी में नौ सखियां हैं। हम सभी के लिए अब्दुल बहा के साथ पवित्र दहलीज की दास्ता में शामिल होने के अलावा और कुछ भी महान नहीं है। मेरा नाम अब्दुल बहा है, मेरी योग्यता अब्दुल बहा है, मेरी वास्तविकता अब्दुल बहा है, मेरी प्रशंसा अब्दुल बहा है, आशीर्वादित पूर्णता की दासता मेरा भव्य और दीप्तिमान मुकुट है, और समस्त मानव जाति की सेवा मेरा चीर धर्म है। अब्दुल बहा के सिवा कोई नाम कोई उपाधि कोई संबोधन कोई प्रशंसा न मैंने कभी स्वीकार की है और ना कभी करूंगा और ना कभी करूंगा और ना कभी करूंगा, यही मेरी कामना है, यही मेरी चीर अभिलाषा है, यही मेरा अनंत जीवन है, यही मेरी अनंत प्रशंसा है। मेरा नाम अब्दुल बहा है, मेरी योग्यता अब्दुल बहा है, मेरी वास्तविकता अब्दुल बहा है।